आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों सैखोम मीराबाई चानू। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन की बायोग्राफी लेके आ रहा हूँ। अरे भैया लाना बनता है, अगले साल ओलंपिक्स है और क्रिकेट में तो दोस्तों बहुत सारे लोग उदास हैं। भारत फेवरेट्स पहली नंबर की टीम सेमीफाइनल में हार गई, कोई बात नहीं। अरे आने वाला बहुत कुछ है, ओलंपिक्स आ रहा है और हम चीयर अप करेंगे अपने सारे खिलाड़ियों के लिए। 2016 में जो रियो ओलंपिक्स हुआ था जिसमें सैखोम मीराबाई चानू नहीं जीत पाई थी और ये उनके लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट रहा था, लेकिन इस बार देखिएगा आप दोस्तों 2020 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं ना उसमें भारत इतिहास रचेगा। बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो आ गए हैं ओलंपिक्स में और अब भारत अपना दम दिखाएगा। सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, ये तो आपको मानना पड़ेगा दोस्तों। स्पोर्ट्स में सरकार अब खिलाड़ियों को काफी ज्यादा सपोर्ट करने लगी है। खेलो इंडिया स्कीम आ गई और ये मीराबाई चानू खुद बोलती हैं, खेलो इंडिया स्कीम आ गई है दोस्तों। बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, बैडमिंटन लीग्स हो रही है, फुटबॉल लीग्स हो रही है, कबड्डी लीग्स हो रही है, तो ये सारी चीजें भारत के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी है। हम एक ही गेम को फॉलो करते हैं, वो है क्रिकेट, ठीक है, उसी के पीछे हम दीवाने हैं। लेकिन जरा आप ठहर जाइए, अभी देखिएगा क्या क्या होता है। ओलंपिक्स का इंतजार है हमको 2020 में। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए 2020 के ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं, फटाक से बताइए। सेटर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर अच्छा पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप पिन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों अगर मीराबाई चानू की बात करें तो इनका जन्म 8 अगस्त 1994 में हुआ था, तो बहुत ही छोटी है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये 24 साल की हैं। छोटे से गांव नौपोक इम्फाल मणिपुर, मणिपुर की मिट्टी में कुछ है दोस्तों। यहाँ पे मीराबाई चानू बताती हैं कि मणिपुर में हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है। यहाँ पे वैसे ही बहुत सारे जो खिलाड़ी है वो मणिपुर से बिलोंग करते हैं और यहाँ के जितने भी फैमिली है उनमें आपको एक तो स्पोर्ट्स पर्सन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ की मिट्टी में कुछ है, लेकिन ये मत समझिए कि ट्रेनिंग बड़ी आसान है यहाँ पे, इतनी आसान नहीं है दोस्तों। मीराबाई चानू को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इनका गांव 25 किलोमीटर है मणिपुर से, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और मणिपुर वैसे भी मीराबाई चानू बताती कि वहां पे बहुत ज्यादा क्राइम होता है, इंसर्जेंसी है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इन सबके बावजूद ट्रेनिंग करना ये एक इंसान की डेडिकेशन है और वो तब जब ये एक फीमेल है, एक महिला है, इतना आसान नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं मीराबाई चानू की दोस्तों, तो 14 साल में, जी हाँ 14 साल से इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की है। वेट लिफ्टर है दोस्तों, ठीक है ना, वजन उठाती हैं और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कमाल किया, ठीक है। रियो में मेडल नहीं जीत पाई, रियो ओलंपिक 2016 में जो हुआ था, लेकिन उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने मेडल जीता, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता, और उसके बाद तो भैया ये छा गई। तो अगर हम बात करते हैं मीराबाई चानू की दोस्तों, तो इनकी इनिशियल ट्रेनिंग इनके घर में स्टार्ट हो गई थी। जब इनके घर में लकड़ी चाहिए होती थी खाना बनाने के लिए और भी काफी कामों के लिए, तो मीराबाई चानू को भेजा जाता था। छोटी मीराबाई चानू बहुत उत्साहित होती थी, घर का काम करने में इनको बड़ा अच्छा लगता था। ये लकड़ी लाती थी और पूरा गट्ठर उठा के लेके आती थी, ठीक है, बहुत भारी भारी लकड़ियां लेके आती थी। तो वहीं से इनकी ट्रेनिंग पहली स्टार्ट हो गई और गांव वाले सब बोलते थे कि इतने भारी भारी जो तुम ले जा रही हो ये कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए, और इतनी दूर से लेके आ रही हो, क्या कर रही हो, पहाड़ों पे जाती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ी लेके आती थी, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन ये इनकी इनिशियल ट्रेनिंग थी, शुरुआती पढ़ाई इनकी वहीं पे ही हुई, ठीक है, मणिपुर में ही हुई, लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों। अब इन्होंने जब ये छोटी थी तो एक और वेट लिफ्टर कुंजरानी देवी की इन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखी, उसके बाद ये इतना ज्यादा इनसे इंस्पायर हो गई, इतना ज्यादा इंस्पायर हो गई कि इन्होंने अपनी माताजी से बोला कि मुझे वेट लिफ्टिंग में ही जाना है। इनकी माता जी ने बिल्कुल सपोर्ट किया, इनके परिवार ने बिल्कुल सपोर्ट किया कि बिल्कुल तुमको अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो बनो, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर था 22 किलोमीटर दूर और दिन में 3 बार ट्रेनिंग होती थी, सुबह 6:30 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी, उसके बाद उसको खत्म करके ये स्कूल भी जाती थी, तो इतना सब कुछ इनको मैनेज करना होता था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। लेकिन उसके बावजूद मीराबाई चानू ने ये किया और एक वेट लिफ्टर बनी दोस्तों। उसके बाद काफी ज्यादा ट्रेनिंग की, फिर ये दिल्ली आ गई, दिल्ली शिफ्ट हो गई दोस्तों। बेस्ट फैसिलिटीज है दिल्ली हरियाणा में, तो वहां पे इन्होंने फिर ट्रेनिंग शुरू की। और उसके बाद जब मीराबाई चानू को देखा, कोचेज ने देखा, तब इनको पहचान लिया कि ये स्पेशल टैलेंट है, इसको तो बिल्कुल हमको ट्रेन करना ही है। और उसके बाद दोस्तों
2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहां पे इन्होंने 48 kg 48 kg वेट क्लास में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, फिर दोस्तों 2016 में जो ओलंपिक्स हुए थे, रियो ओलंपिक्स हुए थे, मीराबाई चानू ने बिल्कुल क्वालिफाई कर लिया था लेकिन वहां पे मेडल नहीं जीत पाई थी। और यहां पे मीराबाई चानू, ये जो मूवमेंट है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग मूवमेंट था, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा ट्रेन किया था यहां पे मीराबाई चानू को। ठीक है, मीराबाई चानू को बहुत ज्यादा ट्रेन किया था इनके कोच ने और काफी उम्मीदें थी। ठीक है, जो भी स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट्स फेडरेशन को मीराबाई चानू से उम्मीदें थी लेकिन यहां पे वो सही नहीं कर पाए, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ गलतियां हो गई। मीराबाई चानू ने उस गलती उन सारी गलतियों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया और इनके कोचेज ने उनसे ज्यादा ध्यान दिया। आपको बता दूं कि 2016 के बाद इन्होंने इतनी तगड़ी ट्रेनिंग करना शुरू की कि ये अपनी बहन की शादी तक में नहीं जा पाई थी। इन्होंने अपनी माता जी से बोला था कि मैं अपनी बहन की शादी में नहीं आ पाऊंगी, मुझे ट्रेनिंग करनी, तो इनकी माता जी ने भी फुल सपोर्ट किया था कि कोई बात नहीं तुम ट्रेनिंग कर लो, मेडल लेके आओ तुम, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके कोचेज जो थे, इनके कोच जो थे, उन्होंने भैया इनका फोन और सारी चीजें जब्त कर ली थी कि अब सिर्फ और सिर्फ तुमको ट्रेनिंग करनी है, कुछ भी नहीं मिलेगा। इनके लिए स्पेशल डाइट दी जाती थी, इनके लिए स्पेशल खाना आता था, इनके लिए जो खाना है वो दिल्ली से स्पेशल लेके आया जाता था ताकि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके, और बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। और 2011 सबसे पहले तो वैसे इंटरनेशनल यूथ चैंपियनशिप 2011 और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, और उसके बाद फिर 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए वहां पे 48 केजी कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर जीता और 2016 में ये नहीं जीत पाई। ठीक है, अब मीराबाई चानू बताती हैं कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये इनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बनी। जब भी ये वेट लिफ्टिंग करने जाती थी हमेशा यही सोचती थी कि किस तरीके से मैं यहां पे ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाई थी, और उसके बाद वो कमाल करती थी। तो इन्होंने इस फेलियर को एज अ मोटिवेशन लिया कि मुझे अच्छा करना है, हर हाल में करना है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की तो यहां पे दो चीजें होती है, एक होता है स्नैच, ठीक है, और एक होता है क्लीन एंड जर्क। ठीक है, स्नैच की बात करें दोस्तों तो वेट उठाते हैं, ठीक है, हाथ को मोड़ते नहीं है, जो रॉड होती है उसको गले तक नहीं लेके आते हैं, वो सीधा ऊपर उठा देते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं स्नैच। आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है। क्लीन एंड जर्क की बात करें दोस्तों तो उसको मोड़ा जाता है, रॉड उठाई आपने, उसको मोड़ा, अपने कंधे पे लेके आए, मतलब मुंह के नीचे लेके आए, और उसके बाद फिर उसको ऊपर किया। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो स्नैच और क्लीन एंड जर्क, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखते हैं 2016 के बाद 2017 बहुत बड़ा मूवमेंट आया दोस्तों। 2017 में इन्होंने जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और यहां पे आपको बता दूं ये जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, 22 साल तक भारत ने इसमें कोई मेडल जीता ही नहीं था। दो दशकों का इंतजार था जो मीराबाई चानू ने खत्म किया, और उसके बाद तो जब इन्होंने यहां पे गोल्ड मेडल जीता 48 केजी कैटेगरी में, टोटल 194 केजी दोस्तों, 85 केजी स्नैच, सोचिए दोस्तों 85 केजी, 85 केजी, अरे ये तो हम लोग ही ना उठा पाए दोस्तों, ठीक है, 50-60 केजी में ही हम लोग की सांस फूल जाए, यहां पे ये 85 केजी वेट उठा रही हैं और 109 केजी क्लीन एंड जर्क में उठा रही हैं, टोटल कितना 194 केजी। तो इतना ज्यादा वेट इन्होंने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में उठाया, इनको गोल्ड मेडल तो मिलेगा ही मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, गर्व की बात, ये भारतीय है। वहां पे पूरा क्राउड जो है तालियों की गड़गड़ाहट सिर्फ सुनाई दे रही थी। और उसके बाद इन्होंने 2017 जो इन्होंने टफ ट्रेनिंग की, जो इनपे मेहनत की गई, वो साकार हुई, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इनको गोल्ड मेडल मिला। अमेरिका में हुई थी दोस्तों, एनाहिम सीए यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी, ठीक है। और आपको बता दूं ये दो दशकों का इंतजार जो है वो फाइनली खत्म हुआ। उसके बाद ये रुकी नहीं, उसके बाद ये बिल्कुल रुकी नहीं, उसके बाद भैया कॉमनवेल्थ गेम्स आए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता, साउथ एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता। ट्रेनिंग बहुत टफ की दोस्तों, बहुत ही ज्यादा टफ थी, इन्होंने टफ थी। यहां पे इन्होंने खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा दोस्तों, ठीक है, खाने, देखिए एक स्पोर्ट्स पर्सन को खाने पे तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना ही चाहिए, वरना तो उसका पूरा करियर ही बेकार हो जाएगा। और इनके कोच जो थे, ठीक है, इनके कोच जो थे वो भी बहुत ध्यान देते थे कि मीराबाई चानू को, और फेडरेशन भी पूरा इन पे ध्यान देती थी
कि इनकी डाइट बहुत प्रॉपर है, उनकी ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर रहे। तो यहाँ पे 2016 साउथ एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता और 2017 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड जीता। ये कमाल किया, ठीक है। दिन में 12-13 घंटे ये ट्रेनिंग करती थी, बहुत मुश्किल। और वैसे आपको बता दूं कि मीराबाई चानू यहाँ पे बोलती हैं कि जब भी मैं थक जाती हूँ या परेशान होती हूँ तो बंद कमरे में खूब डांस करती हूँ। और इनके फेवरेट एक्टर कौन है? बोलती हैं सलमान खान। मुझे उनका सब कुछ पसंद है, सलमान खान की बॉडी, फिटनेस, चेहरा, हर चीज पसंद है। इनके फेवरेट एक्टर है सलमान खान। तो ये थोड़ा सा फन साइड है मीराबाई चानू का, ठीक है। जैसे ही दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स जीता, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, तुरंत ही चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने 20 लाख का चेक दिया। भैया प्राइड है ये मणिपुर की और भारत की, डिजर्व करती हैं। और 2018 में इनको पद्मश्री दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये उसके बाद दोस्तों जो अगला इनका एम है वो है ओलंपिक। ये पूरा ओलंपिक के लिए ही तैयारी कर रही है। आपको एक और चीज बताता हूं कि ये बताती है कि जब मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था, ठीक है, हालांकि मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, मेरे कोच ने इतनी ज्यादा मुझे प्रैक्टिस करवा दी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड जीता था। लेकिन वो चीज मेरे जहन में थी, जब 2016 में एक मिस्टेक हो गई थी, गलती हो गई थी और मेरी लिफ्ट जो है वो सही नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से मैं वहां पे मेडल नहीं जीत पाई थी। लेकिन अब 2020 में जो ओलंपिक्स होने वाले है ना, उसमें जरूर मेडल जीतूंगी। और देखिएगा दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इस बार आप ओलंपिक्स में भारत के मेडल्स देखिएगा, मजा आ जाएगी दोस्तों। बहुत सारे खिलाड़ी तैयार हो गए हैं और देखिएगा मजा आएगी। फिर दोस्तों 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, ठीक है, 2018 में अगेन कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, वहां पे इन्होंने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में, अब इस बार 110 kg, ठीक है, 110 kg, वहां पे 196 kg, ठीक है, स्नैच में, और 110 kg क्लीन एंड जर्क में, वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। फिर उन्होंने दोस्तों एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, यहां पे इनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, और ब्रॉन्ज जीता, ठीक है। हम इनसे गोल्ड की आशा करते हैं, सिल्वर तो आशा करते ही करते हैं। ये खुद भी बोलती है कि मुझे पता है मैं सिल्वर तो लेके ही आऊंगी चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है, हालांकि इन्होंने अब तक 199 kg, ये अभी तक इनका बेस्ट है, 199 kg उठाना दोस्तों, दो पार्ट में, अगेन स्नैच और क्लीन एंड जर्क में, ठीक है ना, ये दोनों मिला के 199 kg इनका अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये चीज है, 2019 तक की ये कहानी है दोस्तों, और अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो ओलंपिक्स आने वाला है। और ये खुद भी बोलती है कि अगले साल जो ओलंपिक्स होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूं, ठीक है, जिस तरीके से मैं अभी अपना परफॉर्मेंस दे रही हूं, ये एक एक कदम मेरा आगे बढ़ रहा है। और मेरा अल्टीमेट एम क्या है, ओलंपिक्स जरूर मेडल जीतूंगी। और भैया हम तो चाहते ही हैं, हमारी शुभकामनाएं मीराबाई चानू के साथ है, पूरा देश मीराबाई चानू के साथ है कि अगले साल जो ओलंपिक्स हो उसमें ये गोल्ड मेडल जीत के आए और नया रिकॉर्ड कायम करें। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत ही जल्द एक नए स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हाजिर होऊंगा। मजा आ रही है ना स्पोर्ट्स पर्सन की बायोग्राफी सुन के दोस्तों, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर देते हैं, ठीक है। और भारत तो टैलेंट का भंडार है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।